एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो ये कहता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। पहला एग्जाम्पल, जब मैं बार बार कह रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप सारे एग्जाम्पल अपने मन में सोचें जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने आज तक लगाया। पहला एग्जाम्पल बुलेट वाला, याद करो फोर्स का चैप्टर, हमने क्या किया था, ये मान लो एक गन है और ये मान लो एक बुलेट है, बुलेट ये दोनों रेस्ट पे हैं, बुलेट आगे मूव करता है तो गन पीछे मूव करेगी ही करेगी, ऐसा हमने किया था। कोई डाउट, डाउट इसमें, ये हमने किया। अब ये बताओ कि जब ये टॉपिक किया था तो हमने तो नॉर्मल किया कि जब ये बुलेट चलेगी गन पीछे जाएगी तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो टक्कर से सॉरी गोली चलने से पहले टोटल मोमेंटम जीरो था, फिर ये बुलेट गई थी, फिर ये गन पीछे गई थी, और नेट मोमेंटम इनका भी क्या आने वाला है, जीरो। ऐसे ही किया था M1 V1 M2 V2 ऐसे ही था। अब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये कहता है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इमेजिन करो इनका सिस्टम का कोई सेंटर ऑफ मास भी तो होता होगा गन एंड बुलेट का, क्योंकि बुलेट का मास M1 है, गन का M2 है, तो इनके अंदर पड़ा होगा कोई सेंटर ऑफ मास, जहां मर्जी पड़ा हो कहीं तो पड़ा होगा सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास पड़ा हुआ है। अभी गोली चली नहीं, जब गोली चली नहीं, बुलेट चली नहीं, तो सेंटर ऑफ मास किस पे पड़ा हुआ था, रेस्ट पे, नहीं चल नहीं रहा था। गोली चली, गन पीछे आ गई, अब गोली आगे चली गई, गन पीछे गिर गई, सेंटर ऑफ मास अब भी आपको यही दिखाई देगा, वो मूव ही नहीं करेगा। आपको कह सर यहाँ तो कुछ भी ना बचा, बुलेट तो वो पड़ी आपकी, गन वो पड़ी, तो कुछ ना बचाओ, सेंटर ऑफ मास फिर भी ही पड़ा है। आपको यहाँ तो हवा है, हाँ तो हवा में रहने दो, इमेजिनरी, ये नहीं मूव करेगा। आपको ये कैसे, मतलब ये तो इमेजिन करना मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है कि M1 वहाँ गया, M2 वहाँ गया, सेंटर ऑफ मास हिला ही नहीं, हिला ही नहीं। मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूँ, बस आप मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। M1 V1 वेक्टर, M2 V2 वेक्टर बाय M1। अब ये सेंटर ऑफ मास किसका है, बुलेट और गन का, बुलेट और गन का मोमेंटम आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाता है, तो आप चेक कर लो मैथमेटिकली प्रूव हो गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहेगी, आपके सामने तो है मैथमेटिकली प्रूव हो गया। सेंटर ऑफ मास देखो रेस्ट पे, अभी भी रेस्ट पे, गोली चल भी गई तो भी आपस में मोमेंटम कैंसिल होने की वजह से सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा, एट रेस्ट, सही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा और कर देता हूँ, ये देखो अगर ये इससे बात नहीं बनी इससे बन जाएगी, जब गोली नहीं चली थी तो नेट मोमेंटम जीरो था, जब चल गई M1 V1 प्लस माइनस M2, यही क्वेश्चन बनाई थी याद करो हमने, ऐसे यूज किया राइट। अब एक काम करो, नेक्स्ट इक्वेशन में M1 V1 माइनस M2 V2 को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशंस को M1 प्लस M2 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेलोसिटी किसकी है, सेंटर ऑफ मास की, ये देखो सेंटर ऑफ मास अब भी किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, मानना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया जा रहा है और सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो गोली चलने के बाद भी आपने ये नहीं बोलना कि मूव किया वो रेस्ट पे रहेगा। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर है, मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे क्यों रहेगा, सही है। दूसरा एग्जाम्पल, अब इमेजिन करो कि सपोज आपने एक रॉकेट, दिवाली का रॉकेट है, ये लो बॉटल लिया और दिवाली का रॉकेट है, बॉटल टेढ़ी होगी, रॉकेट टेढ़ा चला गया, रॉकेट गया, रॉकेट फटा ही नहीं, यहाँ गिर गया, रॉकेट आया रॉकेट गिर गया, नहीं फटा तो नहीं फटा, बस हल्की सी आग लगी और हो गया और गिर गया, ठीक है। तो मैंने पूछा कि ये रॉकेट नहीं फटा, कहता नहीं फटा कोई बात नहीं, तो मैंने पूछा कि फिर बता कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है रॉकेट का, उसने क्या पाथ फॉलो किया, आपने कहा सेंटर ऑफ मास रॉकेट के अंदर ही था और वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर गया, ऐसा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने फिर से रॉकेट चलाया, ये रहा, मैंने फिर से रॉकेट चलाया और इस बार रॉकेट गया हवा में, फट गया, अब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ध्यान से देखना,
उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो टुकड़े कहाँ गिरे, कुछ इधर गया, कोई 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 इधर गया, ऐसे हो सकता है कुछ एक आठ टुकड़ा पीछे भी चला गया। तो पीछे कम जाते हैं, आगे ज़्यादा गिरते हैं, जब रॉकेट मूव करता है तो आगे की तरफ ज़्यादा गिरते हैं। ठीक, तो किसी ने पूछा कि सर ये तो टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ हो गए, तो ये इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी V2, V3, V4, हाँ ठीक है, हर कोई टुकड़ा अपने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हर किसी टुकड़े का अपना मास है M1, M2, M3, M4। तो मैंने किसी से पूछा कि इसका सेंटर ऑफ मास कोई तो होता होगा, मान लो मान लो 50 टुकड़े निकले, उन 50 का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेगा। उसने कहा देखो किसी भी इंस्टेंट पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, V1, V2, V3 एंड V4, और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो मैंने कहा फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकलेगी। उसने कहा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 करते करते डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 अप टू 50 तक। तो ऐसे करके क्या निकलेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल सकती है और डायरेक्शन भी निकलेगी। जब कैलकुलेशन की गई इन सभी पार्टिकल्स के जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वेलोसिटी के, पोजीशन के, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली गई और उसकी वेलोसिटी निकाली गई, तो ये देखा गया क्योंकि टुकड़े मूव कर रहे हैं, इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, और इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास ने वही रास्ता फॉलो किया जो वो बिना फटे कर रहा था, बिल्कुल सेम। टुकड़े गिरेंगे ही ऐसे रॉकेट के, वो इस तरीके से अपने कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट है, यानी कि जो उसने डिसाइड कर लिया पाथ फॉलो करने का बिना फटे, फटने के बाद भी वही ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा सेंटर ऑफ मास जो पहले करता था, चाहे वहां पर कुछ भी रिसीव ना हो, खाली हवा ही हवा है, टुकड़े इधर उधर गिर जाए। रेस्ट पे M1 V1 M2 V2 इनिशियली जीरो था ना, इनिशियली देखो क्या था, तो इनिशियली अगर ऐसे था फाइनली भी ऐसे ही होगा, ये नहीं चेंज होगा, क्योंकि बॉम्ब का फटना फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तब लगेगा, ये हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं है, ये जहां मोमेंटम कांस्टेंट लगेगा वहां पे कांस्टेंट रहता है। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल वैसे ही है, मतलब बहुत सिंपल है, अगर बॉम्ब रेस्ट पे पड़ा हुआ है और फट जाए, तो वहां एक टुकड़ा ना पड़ा हो, जैसे एक बॉम्ब पड़ा हुआ है, ये लो एक बॉम्ब रेस्ट पे है, ये लो बॉम्ब रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे है, इसके अंदर है, रेस्ट पे है, इसके पता नहीं कितने टुकड़े हो गए, चलो दो टुकड़े हो गए, M1 V1 M2 V2, चाहे बॉम्ब की जगह पे कुछ ना पड़ा हो, पर आपने बोलना है सेंटर ऑफ मास इसके अंदर यहीं पड़ा हुआ है और इज रिमेनिंग एट रेस्ट। जैसे ये बॉम्ब यहां पर पड़ा है, बॉम्ब फट गया, अब फटने के बाद टुकड़े इधर गिर गए, पर मैं फिर भी यही बोलूंगा सेंटर ऑफ मास एक यहीं पड़ा हुआ है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, टुकड़े इधर उधर गिर गए, सेंटर ऑफ मास पोजीशन क्यों नहीं चेंज कर रहा। आप इमेजिन करो मेरा मास एम है, इसका एम है, हमारा सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, मैं 10 मीटर पीछे गया, ये भी 10 मीटर पीछे गया, तो भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर पड़ा हुआ है। तो टुकड़े गिरते ही ऐसे हैं, जाते ही ऐसे हैं, ताकि सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फटने से पहले अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो फटने के बाद भी जीरो ही रहेगी। तो एग्जांपल क्लियर है, ठीक है, मैं आपको और प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। दिवाली पे आप देखना एक शॉट्स आते हैं, ट्रे आती है, बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, सीधा 90 डिग्री पे ऊपर जाती हैं, और वो शॉट बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाता है, बनाया भी ऐसा जाता है बिल्कुल, ताकि वो टेढ़ा ना जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाके जब वो फटता है ना, तो वो हमेशा हर डायरेक्शन में फटता है, पूरा फ्लावर बनाता है, है ना, पूरा हर डायरेक्शन में फटता है, बहुत सुंदर पैटर्न बनता है। आपको अगर ठीक है, अच्छी बात है, बनता है। आप इमेजिन करो, अब ये रहा आपका बॉम्ब, वो शॉट, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इसके अंदर था बिना फटे, कहाँ जा रहा है, सीधा, फटने से पहले सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे जा रहा है, बॉम्ब फट गया, बॉम्ब के टुकड़े ऐसे गिरेंगे हर तरफ, हर तरफ, और वो नीचे आएंगे, सच दैट वो सेंटर ऑफ मास भी ट्रे के अंदर वापस ही आएगा। सेंटर ऑफ मास वही रास्ता और वही वेलोसिटी फॉलो करेगा, अगर बॉम्ब ना फटता तो यही बॉम्ब ट्रे में वापस आता,
तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री अब भी सेम रहेगी, जब वो फट जाएगा इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और सच दैट वो टुकड़े अपने कोऑर्डिनेट्स ऐसे चेंज करेंगे सच दैट सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हर इंस्टेंट पर जब निकाला जाए तो वही ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा जब वो पहले कर रहा था बिना फटे। तो अगर बिना फटे ये ऊपर नीचे चला गया तो फटने के बाद भी ये वहीं जाएगा, चाहे उसमें कुछ ना आए ट्रे में, देखना मैं शुरू कर देना दिवाली वाले दिन, कुछ आया तो है नहीं, आएगा नहीं, वो पैटर्न ही ऐसा बनेगा, कोऑर्डिनेट्स ही वो पार्टिकल ऐसे चेंज करेंगे, सेंटर ऑफ मास वही कोऑर्डिनेट चेंज करेगा और वही वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। मैं तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे तो बॉम्ब भी सही तरीके से फटते नहीं है, ऐसे तो थोड़ा ज़्यादा कम भी हो जाता है, सेंटर ऑफ टेढ़ा भी हो जाता है उड़ते उड़ते, तो ये निगलेक्टेड है, मतलब बिल्कुल आइडल केस है, हवा भी नहीं है कुछ भी नहीं है और सीधा गया और सीधा आया, ऐसा है, ऐसे तो बॉम्ब ना फटे तो ट्रे में वापस भी कहाँ आने वाला है, पर लेकिन आइडल सिचुएशन में तो आएगा, हमारी फिजिक्स में तो आएगा क्योंकि उसके पास एयर की रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो सीधा गया सीधा आया, ऐसा है। फ्रिक्शंस तो नहीं लेना ना, एक्सटर्नल फोर्स हो गई, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रॉब्लम आएगी नहीं, कंसर्व लेनी नहीं फ्रिक्शन, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है? आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर इमेजिन करो, देखो सेंटर ऑफ मास से एक और प्रॉब्लम है कि सपोज करो एक ये मान लो अर्थ है, अर्थ है और सपोज ये मून है, मून है। एक चीज याद रखना, कोई भी दो पार्टिकल्स जब स्पेस में घूमते हैं, ओके मैं ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, पहले रुको, पहले ये बता दूं आपको कि चीज़ें घूमती कैसे हैं। चीज़ें ऐसी घूमती हैं कि जैसे सपोज करो आपके पास दो मासेस हैं, दो मासेस हैं m1 m2 या m और m। न्यूटन का लॉ कहता है ग्रेविटेशन का कि यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो पास आ रहे हैं, जैसे सेब टूटा तो वो नीचे गिरा ही गिरा है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि मेरी और इसकी 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 टक्कर क्यों नहीं हो पा रही, न्यूटन का लॉ तो अभी वैलिड है, टक्कर क्यों नहीं हो पा रही, हम दोनों टक्कर क्यों नहीं खा रहे, सारी दुनिया कोलैप्स क्यों नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, अट्रैक्ट तो कर रहे हैं पर अभी नहीं कर पा रहे, अभी हो हम अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, टक्कर क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि अर्थ के उठते हुए मजाल है, कोई हिल जाए, चिपका के रखा हुआ है अर्थ ने सबको, अर्थ को हटा दो यहाँ से, ग्रेविटी फ्री स्पेस कर दो, फिर देखो टक्कर कैसे होती है, फिर तो टक्कर होनी होनी है, दो पार्टिकल कोलैप्स करेंगे ही करेंगे, समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल पुल उनको खींचेगा खींचेगा, सही है। अब ऐसे ही कुछ सोचो, अगर अर्थ, अगर सन है, सन तो यहीं रेस्ट पे पड़ा हुआ है और अर्थ घूमना बंद कर दे, चलो अर्थ कहते आज घूमती नहीं हूं, क्या होगा फिर? पक्का फॉल करेगी, वे सेब की तरह है और सेब गिर जाएगा सन के ऊपर, बता रहा हूं मैं आपको, यही होगा और क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगी। तो फिर गिर क्यों नहीं रही? क्योंकि जब बिग बैंग थ्योरी हुई होगी, देखो यहाँ भगवान को नहीं लेके आना, ब्रह्मा जी ने बनाई सृष्टि और सब कुछ फिजिक्स की क्लास में नहीं, ठीक है, तो बनाई है, बिल्कुल बनाई है, लेकिन वो ऐसे बनाई है कि उन्होंने बिग बैंग थ्योरी करवाई है। बिग बैंग थ्योरी जब हुई तो सारे पार्टिकल टूट के बिखर रहे हैं, सन बहुत बड़ा बन गया, अर्थ कह रही है कि मैं तो चली, मैं चली, यही हुआ होगा, बता रहा हूँ मैं आपको, सन कह रहे हैं कि ऐसे कैसे चली, तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ऐसे कैसे जाएगी, और ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर गई इसे, सेंट्रिपिटल। ये तो पत्थर वाला काम हो गया, पत्थर तो चला घूमता घूमता पर स्ट्रिंग ने खींच के रखा हुआ है और आज तक फंसी हुई है सन के चक्कर में, और ये ही नहीं और प्लैनेट फंस गए हैं, क्योंकि जा तो टेंजेंशियल रहे थे पर ग्रेविटेशनल पुल ने उन्हें गोल घुमा दिया, वो बताते हैं आगे ग्रेविटेशन करेंगे, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल तो होती नहीं है इस पे, हम पे लग रही है सेंट्रीफ्यूगल,
मैं खड़ा हूँ, मेरे पे सेंट्रीफ्यूगल है, अगर ग्रेविटी तगड़ी ना हो तो मैं तो उड़ के चला जाऊँ स्पेस में कहीं पर भी, वो सेंट्रीफ्यूगल है। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ऐसे चीज़ें घूमती हैं, सही है। और यही चक्कर मून का है, मून कहता है मैं तो चला जब बना था, मून भी ऐसे ही वो भी टुकड़ा बन गया था, तो अर्थ के अर्थ येरी अर्थ के आप, मून कहता है मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, अर्थ कहते तू कैसे जाएगी, ये देखो मून ने, मून को अर्थ ने खींच लिया और हमेशा के लिए फंसा रह गया, अब ये दोनों सन के आसपास घूम रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी, ये मैंने ग्रेविटेशन को पॉइंट ऑफ व्यू लेके दी, ये अगला चैप्टर हम करने वाले हैं, ऐसे चीज़ें घूमती हैं, ठीक। इवन यही नहीं, इवन जो सैटेलाइट लॉन्च करते हो, सैटेलाइट कहाँ लॉन्च करते हो, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में करते हो कि बाहर करते हो, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में करते हो कि बाहर जाके कर देते हो ताकि गिर ना जाए। अच्छा कहाँ घूम कहाँ रही है, चलो वो कहाँ घूम रही है, ग्रेविटेशनल पुल के अंदर घूम रही है कि बाहर, ये 200-400 किलोमीटर पे घूम रही है सिर्फ, बहुत नजदीक है सेटेलाइट, और सेटेलाइट का व्यू तो यूट्यूब पे लोग दिखाते भी हैं, अर्थ दिख रही होती है तो गिरती क्यों नहीं है। ये सेम प्रॉब्लम है, रॉकेट जब जाता है, जब रॉकेट जाता है ये अर्थ है, रॉकेट ऊपर लेके जाके टेढ़ा हो जाता है और सेटेलाइट को यहाँ से ऐसे फेंक देता है पत्थर की तरह, प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे फेंकता है उठा के, रॉकेट खुद तो वापस आ जाता है पर उसको बहुत वेलोसिटी से फेंकता है, और जब बहुत वेलोसिटी से जाती है तो अर्थ इसे खींचती है, अर्थ गोल है, ये फंस जाती है उस ट्रैप में, जो अर्थ फंसी हुई है सन के ट्रैप में, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं, ग्रेविटेशनल पुल उसे गोल घुमाता रहता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। बोलो अर्थ की इतनी ग्रेविटेशनल पुल है कि मून को नहीं छोड़ पा रही, वो सन नहीं खींच पा रहा मून को, है नेचर, ये ब्रह्मा जी इतने मासेस बना के छोड़े हैं उन्होंने कि वो नहीं, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है यार, कमाल है। मून चला गया फिर कैसे बात बनेगी यार, दिन रात नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी यार, कुछ तो छोड़ दो नेचर पे, ठीक है। तो मासेस इतने इक्विलिब्रियम में है कुछ ही नहीं पा रहा, सन नहीं कर पा रहा, घूम घूमे जा रहे हैं, ठीक है। आएगा ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल हैं सारे, कि कैसे लॉन्चिंग करते हैं और कैसे वो मार्स के ऊपर दूसरे प्लैनेट पे भेजते हैं, ये सारी बेसिक प्रॉब्लम आपके सिलेबस में ही है, तो इंटरेस्टिंग है, ऐसा कोर्स ऐसी बात नहीं है, मतलब तुम्हें अब बात समझ में आएगी इसरो में जब वो लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, तुम्हें बातें समझ में आएंगी उसमें। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वापस आ जाओ, तो मैं आपको सिखा रहा था कि ये एक्सप्लेनेशन तो ग्रेविटेशन के चैप्टर के अंदर एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी मास, दो मास घूमते हैं एम और एम इन अ रेडियस ऑफ आर, मान लो घूम रहे हैं अपने ग्रेविटेशनल पुल से घूम रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा मास है एक छोटा सा मास है और दोनों बराबर रेडियस में घूमते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि एक बड़ा मास है एक छोटा मास है, बाय नेचर वो सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हैं और अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना शुरू कर देते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब क्या हुआ, तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी दो मास जब एक दूसरे के आसपास ग्रेविटेशनल पुल से घूमते हैं, उनके इंटरनल फोर्सेस हैं, तो अपना सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। अब इमेजिन करो कि एक अर्थ है और एक सन है, मून है, मून बहुत छोटा है अर्थ के मुकाबले, अब मून और अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पाया जाएगा, अर्थ के ऊपर, अर्थ के बहुत नजदीक है, अर्थ के ऊपर ऐसा पाया जाता है, बहुत नजदीक है अर्थ के ऊपर, और डिसाइड ये हुआ कि हम दोनों घूमेंगे अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास, अर्थ और मून ने फैसला किया जैसे एज पर नेचर का लॉ है, तो मून ने कहा ठीक है मैं घूमता हूँ, देख सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमता हूँ, और सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ा हुआ है, अर्थ के ऊपर, तो उसने अर्थ के चक्कर काटने शुरू कर दिए। अब अर्थ की बारी, मून कहते हैं अर्थ को तू भी घूम, अर्थ कहते हैं ठीक मैं घूमती हूँ सेंटर ऑफ मास पे, मेरे ऊपर ही है तो मैं अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही हूँ, तो स्पिन मोशन सेंटर ऑफ मास से क्यों है, क्योंकि अर्थ घूमने की कोशिश कर रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पर क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही उसके ऊपर है तो एक्सिस पे घूमती है, और मून इसलिए घूम रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास अर्थ के ऊपर है, वो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के आसपास चक्कर काट रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर टू है, सेंटर ऑफ मास से इसको समझाया जा सकता है, मतलब एक्चुअल एक्सप्लेनेशन तो ग्रेविटेशन ही है, फोर्सेस है, लेकिन सेंटर ऑफ मास से कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है ये तरीका बताया गया है। तो आपके बुक्स में ऐसे ना कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम गिवन होंगी, जैसे एक न्यूक्लियस फट गया, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, फटने के बाद भी वो किस पे रहेगा, एट रेस्ट पे रहेगा। नेक्स्ट है अर्थ मास के अंदर,
मून जो है और अर्थ है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इसके ऊपर ही है, तो कहीं ना कहीं अर्थ जो है वो स्पिन मोशन में है और मून उसके चक्कर काट रहा है। फिर मैंने एग्जांपल दे दिया प्रोजेक्टाइल का, अगर हवा में फट गया टुकड़े ऐसे गिरेंगे, सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री सेम वही रहेगी, ये भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया।